अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे फाशमी और यह है मर्सिडीज E180 एक्सक्लूसिव 2020 मॉडल। ये मर्सिडीज ई क्लास का प्री फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि 2016-17 से लेकर 2020 तक आया था। 20 के मिड में या एंड में इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था और उसके रिव्यूज भी मैंने किए हुए हैं। वो गाड़ी पर काफ़ी टाइम आई है और लुक्स के लिहाज से वो गाड़ी बहुत ज़्यादा एलिगेंट थी, लेकिन कुछ लोगों को ये लुक भी ज़्यादा पसंद है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ई क्लास के बारे में एक मजेदार चीज़ ये है कि ये गाड़ी आपको ठीक पैसों में फीचर्स और लुक्स बहुत ज़बरदस्त ऑफर करती है। ये गाड़ी 2,70,00,000 की है और इतने में आपको वैसे क्राउन मिलेगी 2020 की ही। वैसे क्राउन आपको 2016-17 की सस्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 20 पे जाते हैं तो वो आपको 2.5 करोड़ एंड अबव ही मिलेगी और ये गाड़ी भी उस प्राइस रेंज में ही मिलती है। जबकि लग्जरी के लिहाज से ये उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, लुक्स भी बेहतर ऑफर करती है, इंटीरियर तो इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये गाड़ी है भी क्योंकि मर्सिडीज़ का एक अपना स्टेटस है। ये सब मैं चीज़ें कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 2,70,00,000 है। ये E180 एक्सक्लूसिव है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। यहाँ पे एक इन हाउस पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोड स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ई क्लास एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। खैर अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये ई क्लास का प्री फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि 2020 तक आया था। 20 के बाद इसकी हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, इंटीरियर में कुछ चेंजेस कर दिए गए और उसके अलावा फेंडर, बम्पर और बोनट भी नया दे दिया गया। AMG वाली कार में बोनट पर थोड़े से हम्प्स आते हैं, ये एक्सक्लूसिव है तो ये सिंपल सा है। और प्री फेसलिफ्ट कार में हेडलाइट थोड़ी राउंड सी थी जो कि ये वाली हैं। फेसलिफ्ट में इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया था और इसमें फिर पूरी ही लाइट LED में दे दी गई थी और वो भी मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। फीचर्स यहाँ भी डिसेंट थे, बाहर भी डिसेंट रहे हैं। ये गाड़ी क्योंकि एक एंट्री लेवल ट्रिम है E180 एक्सक्लूसिव तो इसमें कुछ चीज़ें कट डाउन की भी हैं, जैसा कि इसमें रडार नहीं आता और इसके अलावा इसमें फ्रंट कैमरा भी नहीं है। कुछ गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, मैंने उनके रिव्यूज़ किए हुए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की तो इसमें हेडलाइट्स जो हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं, लेकिन ये डिजिटल LED वाली लाइट्स नहीं है। इसमें फिर यहाँ पे की प्रोजेक्शन लेंथ दिया गया है काफ़ी बड़ा जो कि लो के लिए है, हाई के लिए LED दी गई है और फिर इसमें ये 2 DRL दी गई हैं जो कि ई क्लास में किसी ज़माने से आ रही हैं। इसके अलावा फिर इसमें बम्पर में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, मोनोग्राम में इसका ग्रिल में दिया गया है AMG वाली कार्स की तरह। कुछ गाड़ियों में ऊपर 3-point star आता है और नीचे ग्रिल सिंपल सी होती है। बाकी इसके अलावा फॉगलैम्प वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, ये एरिया इसमें बंद ही दिया गया है। वाइपर्स में थोड़े से हेडर दिए गए हैं और ये वाइपर्स हैं भी रेन सेंसिंग, ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी फ्लोई और सिंपल सा है। इसमें बड़े वर्जन के अंदर रिम बड़े आते हैं, हाइट कंट्रोल आता है तो आप उसके हाइट को नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फिर E63 वर्जन आते हैं, उनमें बॉडी किट्स काफ़ी बड़ी आती हैं और टायर भी बड़े आते हैं, बट ये गाड़ी क्योंकि एलिगेंस या एक्सक्लूसिव वर्जन है तो यहाँ पर सब कुछ एलिगेंट सा ही रखा गया है। बट स्टिल ये मोस्टली कार्स सोनाटा, कैमरी, क्राउन, उन सबसे बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। कट लेंथ यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी हैं, नीचे के साइड कट्स वगैरह नहीं दी गई। 20 इंच के रिम भी ये गाड़ी ऑफर करती है। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसके साइड मिरर डिट्रेक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और में ऑटो का फीचर भी आता है, प्लस ये हीटेड भी हैं। हालांकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट बेसिक ट्रिम है। बड़े वर्जन में नीचे यहाँ पे कैमराज आते हैं, इसमें पर्ट लैम्प तो दिए गए हैं लेकिन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, कैमराज, ऑयल सारी चीज़ें नहीं आती। इसके अलावा यहाँ पे इसका सारा कुछ ही ब्लैक आउट है और डोर हैंडल्स भी इसके ब्लैक में है। अगेन बड़ी ट्रिम्स में यहाँ पे क्रोम भी आता होता है और साइड पे जो डोर के फ्रिल्स हैं ये भी एलुमिनियम में होती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर D-segment की सेडान है, यानी कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन साइज के लिहाज से सोनाटा बनती है या फिर BMW 5 सीरीज बनती है, क्राउन बनती है, लेकिन ये गाड़ी लग्जरी के लिहाज से क्राउन वगैरह से बहुत ऊपर है। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है जो कि क्राउन आज तक ऑफर नहीं कर रही। इसकी रूफ के अच्छे खासे बड़े एरिया को आप खोल सकते हैं और पीछे भी इसमें ये ग्लास ही दिया गया है। बाकी इस गाड़ी में एंट्री और एक्सिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी हाइट के लिहाज से ठीक है, डिसेंट है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी पाकिस्तान के हिसाब से बेस्ट है। ये ऑब्वियसली शाहनवाज रिपोर्ट है तो शाहनवाज ने इसको पाकिस्तान के हिसाब से स्पेक किया हुआ है। ये गाड़ी आराम से हर ब्रेकर वगैरह को क्लियर कर सकती है और इसके अलावा बाकी इसमें रेयर विंडोज जो हैं ये प्राइवेसी वाली आई हुई हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है तो इसके इंजन की सारी पावर ही बैक पे आती है और आप इस पर टेल वगैरह बड़े आराम से कर सकते हैं ट्रैक्शन ऑफ करके ऑब्वियसली। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी प्रॉपर एक सेडान है, यहाँ पे ये इसका फ्रंटर ब्लैंक है, फ्यूल डोर इसका राइट साइड पर दिया गया है और बाकी पार्किंग सेंसर इसमें बैक पर यहाँ तक आते हैं।
बैक पे भी और फ्रंट पे भी। तो ये गाड़ी आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करती है। और अगर बात की जाए इस कार की रेड एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से पूरी कार की तरह काफ़ी एलिगेंट सा है। इस एनामे मर्सिडीज ने अपनी थीम को काफ़ी राउंड राउंड सा रखा था। सेम गोज फॉर दिस कार, यहाँ पे कोई भी लाइन आपको बिल्कुल सीधी नजर नहीं आएगी। डिग्गी भी यहाँ पर राउंड सी है, क्रोम की फ्रंट गोल सी हैं, टेल लाइट गोल मोल सी हैं, फेंडर्स भी, विंडशील्ड भी, हर चीज़ में कोई कॉर्नर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक डिफरेंट चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी एंट्री लेवल ट्रिम है, तो यहाँ पे फीचर्स बस बेसिक दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें बैक पर पार्किंग सेंसर्स आते हैं और डुअल एग्जॉस्ट आते हैं। इसमें कुछ गाड़ियों में बैक पर डुअल एग्जॉस्ट के स्लॉट दिए हुए होते हैं, लेकिन एग्जॉस्ट होता एक ही है सिर्फ फ्लैट साइड पर। ये भी एक वियर्ड चीज़ है जो कि मैंने नोटिस की है कुछ कार्स में, बट इसमें ये दोनों प्रॉपर फंक्शनल हैं। बाकी इसके ट्रंक को मैं नॉर्मली ही अनलॉक करूँगा। कुछ गाड़ियों में पावर आती है इसके टॉप एंड वर्जन के अंदर। और बाकी अगर बात की जाए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये इसकी डिसेंट है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इसका एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसकी मर्सिडीज की ट्रे भी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फोल्ड होकर लिटरली सिर्फ इतनी सी हो जाती है, पतली सी, लेकिन उसको खोल के आप प्रॉपर एक ट्रे बना सकते हैं। रियर बेंचेस इस गाड़ी में फिक्स दिए जाते हैं, इनको आप फोल्ड नहीं कर सकते। ट्रंक के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है, और यहाँ पे एक ये ब्लैक प्लैक दिया गया है जहाँ पे इसकी पावर टेलगेट के बटन आते हैं बड़े वर्जन में। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका एक्सटीरियर से ज़रा लग्जरियस है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत टॉप नॉच है और बड़ी खूबसूरत है। ऑल दो ये गाड़ी ऑलमोस्ट बेसिक ट्रिम है, बट स्टिल इसमें लग्जरी बहुत ज़्यादा दी गई है। किस तरह से मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग इसका 3-स्पोक है और ये पुराना स्टीयरिंग है। 2020 में ही इसमें नया स्टीयरिंग भी आ गया था फेसलिफ्ट के बाद, और वो स्टीयरिंग लुक के लिहाज से बहुत फैंसी सा है, और वो फिर अब तक आ रहा है 2024 तक। खैर अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। एक ट्रैक पैड दिया गया है जहाँ से आप डिफरेंट मेन्यूज के बीच में स्विच कर सकते हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं क्रूज के हैं, क्रूज कंट्रोल एक गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है। और इसके अलावा यहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। सेंटर में यहाँ पर भी ब्लैकबेरी जैसा एक ट्रैक पैड दिया गया है। बाकी गाड़ी पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है। गियर इसमें यहाँ पर पीछे दिया गया है स्टीयरिंग के पीछे। ये काफ़ी कन्वीनियंट डिज़ाइन है गियर का, इस तरह से कि मैं गाड़ी को ड्राइव करते हुए गियर काफ़ी इजीली शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं अगर स्टीयरिंग को राइट मोड़ूंगा और इसको डी में करना है, तो यू डी हो गया। फिर अगर मैंने रिवर्स करना है इसको, तो मैं यूं ही रिवर्स करके स्टीयरिंग घुमाऊंगा, तो ये गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। तो मैं गाड़ी को किसी टाइट स्पेस में काफ़ी इजीली टर्न कर सकता हूँ इस तरह से। इसके अलावा लेफ्ट पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं और वाइपर दिया गया है, आप बीम यहाँ से देंगे। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका पूरी स्क्रीन है। आप इसको काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट थीम्स आती हैं। थीम्स के बीच में भी आप इसी ट्रैक पैड से नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ 3 मेन थीम्स हैं, प्रोग्रेसिव, क्लासिक और फिर स्पोर्ट। स्पोर्ट में ऑब्वियसली ये थोड़ा स्पोर्टी हो जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको ट्रेस, एयर कंडीशनर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, डोर्स वगैरह ओपन जो है वो शो करवाएगी। सारी वो चीज़ें जो कि आपको हर कार में शो होती हैं। इस स्पेसिफिक कार में हेडसअप डिस्प्ले नहीं है। इससे पहले मैंने एक डिज़ाइनर वर्जन का रिव्यू किया हुआ है और उसमें हेडसअप डिस्प्ले था। बाकी अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही लदे की फिनिश में है। और इसके पीछे फिर एक काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है और इसमें इसका सब वूफर आता है। इसके अलावा मीटर के साथ यहाँ पर जो एक और स्क्रीन दी गई है, ये इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है। ये बेसिकली एक सिंगल ही पैनल है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करता है, और इसको भी आप काफ़ी हद तक कॉन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ये टच में नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है। इस स्क्रीन को आप यूज़ यहाँ से करेंगे, इसको आप टच से यूज़ नहीं कर सकते। फेसलिफ्ट के बाद ये टच में आती है, और इसमें भी जो टॉप ऑफ लाइन वर्जन होते हैं उनमें स्क्रीन टच में आती है। बाकी स्क्रीन काफ़ी हाई क्वालिटी है। 2016-17 वाली कार में स्क्रीन काफ़ी छोटी थी। इसको मर्सिडीज MBUX कहता है, यानी कि मर्सिडीज बेंज यूज़र एक्सपीरियंस। और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक स्प्लोरर व्हील दिया गया है और ट्रैक पैड दिया गया है। बाकी अगर बात की जाए इसमें दिए गए फीचर्स की, तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीज़ें आती हैं। ब्लूटूथ इसका फ़ौरन कनेक्ट होता है। फिर यहाँ पर ये गाड़ी आपको इसका इको स्कोर, क्लाइमेट कंट्रोल की स्टैट्स, ये सारी चीज़ें भी शो करवाएगी। यहाँ से आप इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइट्स को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे आपको सर्विस इंटरवल्स वगैरह भी शो करवाएगी। यहीं से आप इसके ड्राइव मोड चेंज करेंगे। जो ड्राइव मोड आते हैं इसमें, वो है मैनुअल, स्पोर्ट, कम्फर्ट और ईको। फिर इसके अलावा आप इसके स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। अभी ये स्पोर्ट पर है तो हार्ड है, कम्फर्ट पर अभी ये काफ़ी लाइट हो गया है। फिर ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को भी मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ इधर से। बाकी गाड़ी की और भी बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में कवर की हुई हैं। और अगर आपने इसका डिटेल रिव्यू देखना है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। खैर उससे नीचे फिर यहाँ पे इसके 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, चारों को ही मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। और इन चारों को ही सेंटर में आने के बाद एक टिक होती है इस तरह की, तो साउंड मेरे ख्याल से काफ़ी सेटिस्फाइंग है। जैसे ये सेंटर में आता है कि ये टिक करता है। और इसमें यहाँ पर ये वुड दिया गया है, प्रॉपर वुड। बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पर कार्बन फाइबर आता है, स्पेशली E350E वगैरह में,
डिज़ाइनों वगैरह में इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल कार्स में, कई कार्स में ये बेसिक सा भी आता है। बाकी इसके नीचे फिर ये काफ़ी बड़ी एम्बिएंट लाइट दी गई है जो कि इसके इंटीरियर की लुक को बहुत बेहतर बना रही है। और आप इसके कलर्स को भी RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं। इसके आप जोन्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये भी रेड है, यहाँ पे येलो है, तो ये मैंने खुद किया हुआ है। बाकी फिर नीचे यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह के, नीचे की क्लॉक दी गई है और साथ कुछ और फिजिकल बटन दिए गए हैं। ये क्लॉक भी AMG वाली कार में नहीं आती। उससे पीछे यहाँ पे फिर इसका एक कप होल्डर दिया गया है, एक की होल्डर दिया गया है। और यहाँ पे यूजली गाड़ियों में गियर आता है, लेकिन क्योंकि गियर्स का यहाँ मूव कर दिया गया तो यहाँ पे सारा एरिया खाली हो गया है। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसका ये वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, ट्रैक पैड दिया गया है जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है और उसके अलावा इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसका स्प्लिट में खुलता है। अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की, तो सीट्स भी इसकी काफ़ी स्पेशियस हैं क्योंकि गाड़ी एक D7 की सेडान है और ये दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इनके जो कंट्रोल्स हैं ये आप डोर्स पे दिए गए हैं और इन दोनों में ही मेमोरी फंक्शन आते हैं। ये अगेन एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट की सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, तो ये मेरे ख्याल से यूज़फुल फीचर है। मुझे यहाँ बैठ के वहाँ प्रॉपर झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारा कुछ यहीं से कर सकता हूँ। स्पीकर इसमें नॉर्मल है, बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम भी कुछ गाड़ियों में ऑफर होता है, लेकिन वो एक एड ऑन फीचर है और गाड़ी की वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है। बाकी इसके अलावा हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा आप इसकी पार्किंग्स को भी इंडिविजुअली भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ राइट की या सिर्फ लेफ्ट की। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट। और उसके अलावा सेंटर में फिर इसके ये 5 लाइट्स यहाँ पे और दी गई हैं और 2 फिर यहाँ पे नीचे और दी गई हैं। रियरव्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला है और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जिसको मैं यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए मर्सिडीज ई क्लास के रियर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी पूरी पूरी ही है। यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लेग रूम सफिशिएंट है, बट हेड रूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। और सेंटर में थर्ड पैसेंजर आने को तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है इसकी ड्राइव ट्रेन के लिए। ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है तो यहाँ से इसकी ड्राइव ट्रेन जा रही होती है। खैर, बाकी फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए। एयरबैग्स दिए गए हैं सेंटर में भी और पाँव पे भी। फिर इसमें डोर में स्पीकर आते हैं, विंडो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, बट बैक पे इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है जहाँ पे ई क्लास से ऊपर निकल जाती है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे ऊपर रीडिंग लाइट्स दी गई हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सेंटर में लाइट्स आ नहीं सकती, यहाँ पे ये ग्लास दिया गया है। और इसके अलावा सेंटर में फिर इसके लिए सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसमें फिर एक ही सेंटर में ड्रॉर भी आती है। फिर इसके अलावा रियर बेंचेस इसमें फिक्स्ड ही हैं, हेडरेस्ट सीट 3 ऑफर करती है बैक पे और इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए ई क्लास के इंजन की, तो ई क्लास में बहुत सारे इंजन आते हैं। 1.5 टर्बो जो कि ये इंजन है, फिर इसमें 2000cc टर्बो भी आता है, 2000cc टर्बो हाइब्रिड भी आता है A350 में। फिर इसमें और बड़े इंजन भी आते हैं 4000cc वाइट टर्बो E63 वगैरह में। उन गाड़ियों को मैंने अलग अलग रिव्यूज़ किए हुए हैं, बट फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो इसमें इंजन सिर्फ 1.5 टर्बो चार्ज्ड है और ये इंजन 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से, लेकिन ये बेहतर हो सकता था। आप मर्सिडीज से जिस तरह की पावर एक्सपेक्ट करते हैं शायद ये आपको वैसी ना दे, बट डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये सफिशिएंट है। और छोटे इंजन होने का फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देगी। एवरेज इस गाड़ी की सेवक वगैरह के बराबर है, लाइक 13-14 की, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इतनी बड़ी कार के लिहाज से। और फिर इस पर टैक्सेस भी कम पड़ते हैं सिर्फ 1.5 होने की वजह से। बाकी टर्बो चार्जर इसमें काफ़ी बड़ा सारा दिया गया है साइड पे। और कंबाइंड हॉर्स पावर इसकी 154 है, टॉर्क इसका 215 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। बाकी इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है, यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन दी गई हैं। इसके इंजन ब्रेक के अंदर आपको एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा नजर आएगा। पिछले जनरेशन से इस जनरेशन में एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ आयरन या फिर स्टील। और इसका फायदा यह है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू स्टील। और इसके अलावा इसका वेट भी कम होता है। और बाकी बोनट के अंदर इसके इंसुलेशन दी गई है, बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है ई क्लास बेसिक वर्जन में, यह है 245, 45 और 18। ये गाड़ी एंट्री लेवल ट्रिम है, बट सिर्फ इसमें 245 का टायर आता है और ये चारों ही टायर सेम साइज़ के हैं। इसमें कुछ वर्जन में स्टैगर्ड टायर भी आते हैं। स्टैगर्ड का मतलब ये होता है कि अगले कम चौड़े पिछले ज़्यादा चौड़े, आगे 245 होते हैं पीछे 275 होते हैं। और ऑब्वियसली उनमें इंजन बड़े होते हैं और बड़े इंजन की बड़ी पावर को एकोमोडेट करने के लिए पीछे टायर बड़े दिए गए होते हैं। बाकी ये टेंसपोक रिम है जो कि एल्युमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। टायर्स गाड़ी में मिशलिन का है, जो कि अच्छा टायर है, आपको तकरीबन अभी 20-30 किलोमीटर और एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। कंडीशन इसकी ऑलमोस्ट 70% बची हुई है अभी।
बाकी इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ड्राइविंग मोड्स आते हैं जो कि इस ट्रैक को बेहतर बनाते हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।